अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद का बटर चिकन बना रहे हैं। तो इसको तसला चिकन भी बोलते हैं। तसला इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टील का जो बर्तन होता है उसमें इसको सर्व करा जाता है, उसको तसला बोला जाता है दिल्ली लैंग्वेज में। तो इसीलिए उसको तसला चिकन भी बोलते हैं। बेसिकली ये बटर चिकन है। तो बटर चिकन है तो इसमें बटर बहुत ही ज्यादा जाता है, मतलब कि 1 कप के जितना हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 kg हम लोगों ने चिकन लिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग लेंगे 100 ग्राम दही और 200 ग्राम इसके अंदर क्रीम जाएगी, फ्रेश क्रीम। यहाँ पर इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1 नींबू का रस जाएगा इसके अंदर और यहाँ पर 1 कटोरी के मतलब 1 कप के करीब में जाएगा इसके अंदर बटर। और यहाँ पर 1 मीडियम साइज का प्याज था, उसमें हम लोगों ने 4 हरी मिर्ची जो है उसको ग्राइंड करके ले लिए हैं। और यहाँ पर ये फेनुग्रीक मतलब कि ये कसूरी मेथी जो है 1 टेबल स्पून है, इसको हम रोस्ट करके लेंगे। जीरा यहाँ पर है 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून है और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून है और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले इसको मैरिनेट करना होता है, इसको मैरिनेट करेंगे और आपने इसको कम से कम 2 घंटा रेस्ट होने के लिए मतलब इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है आपने। तो सबसे पहले इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये नींबू का रस जूस और ये प्याज, हरी मिर्चे, दही, और ये सारे जो मसाले हैं वो नमक भी इसके साथ है। 1/2 बटर डालेंगे, बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके लिए। और ये जो कसूरी मेथी है इसको पहले रोस्ट करेंगे, इसको पहले भूनेंगे तवे पे, उसके बाद इसमें डालेंगे। देखो अभी कसूरी मेथी को भूनेंगे। कुरकुरी होने तक भूनेंगे। ये विद इन 20 सेकेंड्स में जो है भून जाएगी, ज्यादा नहीं इसको भूनना है। कसूरी मेथी भून के हो गई, अभी इसको निकाल देंगे। अभी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। इसे मिक्स कर लिए, अभी इसको 2 घंटा फ्रिज में रखेंगे। इसको 2 घंटा हो गया, अभी इसके अंदर ये आधा बटर इसमें डाल दिए और आधा बटर इसमें डाल दिए कढ़ाई में। 2 टेबल स्पून इसके अंदर बटर रखे हुए हैं। सर्व करते टाइम इसमें डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर चिकन जो है ये सब डाल देंगे और चिकन को अच्छा पकने तक पूरा इसको मतलब गोल्डन गोल्डन से मास्क आ जाना चाहिए, इस तरीके से मार्क आ जाएंगे, उसके बाद में इसको टर्न करेंगे। मतलब इतना हमने पकाना है कि इसके ऊपर अच्छे से ब्राउन कलर के मार्क आ जाए। एक तरह से पक गया अच्छे से, अभी दूसरी तरह से पकाएंगे। देखो ऐसे डार्क मार्क आना चाहिए, देखो कैसे मार्क आ। चिकन को अच्छे से कुक करने का तरीके से इसको मार्क आ जाना चाहिए। अब इसको निकालेंगे। क्यों ये मार्क आना चाहिए, क्योंकि इसको बारबेक्यू करते हैं। तो बिगर बारबेक्यू के अभी इसको हमने इस तरीके से बनाया। अभी इसको चारकोल का भाप दे देंगे। ये सारा जो है चिकन मैं निकाल लूंगी, इसको मैं जो मसाला जो बच गया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। और चिकन को है अभी कोयले का भाप दे देंगे, चिकन को जो है कोयले का भाप दे देंगे। इसको पहले अच्छे से मसाले को जो है अच्छे से भून लेंगे। हाँ भून लेंगे, चम्मच चला चला के भूनेंगे। यहाँ पर देखिए जो चिकन निकाले थे फ्राई करके, इसके अंदर कोयला डालेंगे और इसको अच्छे से भाप देंगे, मस्के से या तेल से या घी से। ऑयल डाल दी हूँ मैंने, ये अभी धुआं जाने तक उसको ढक्कन रखे रखेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास बारीक का। मसाला जो है अच्छे से भून गया है, जो बचा हुआ मसाला था वो मैंने इसमें डाल दी।
और इसको अच्छे से भून ली थी। यहाँ पर देखो बटर भी जो है अच्छे से सेपरेट हो गया। अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दी हूँ। अब इसके अंदर ये जो क्रीम है इसको मैंने अच्छे से फेंट ली थी। ये क्रीम इसमें डाल देंगे, अमूल क्रीम, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घर की मलाई तो घर की मलाई डालो। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। ये जो क्रीम था इसको मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर ली। अभी इसको असेंबल करेंगे, मतलब इसको अभी सर्व करेंगे। तो स्मोक जो है पूरा अच्छे से निकल गया। अब ये जो चिकन है इसके अंदर ही, जिसमें आपने सर्व करना है उसके अंदर ही अब इसके अंदर सर्व कर रहे हैं। ये इसमें मसाला डाल देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें चाट मसाला भी ऊपर से डालते हैं, बट मैंने ऑलरेडी जब पकाए थे तब इसमें मैंने काफी चाट मसाला ऐड करी, 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करी हूँ। फिर नमक भी, अगर चाट मसाला और डाल दूंगी तो नमक ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया, इसको अब इसके अंदर हम बटर डाल देंगे। अब ये पुरानी दिल्ली स्टाइल जामा मस्जिद वाला बटर चिकन बनकर रेडी है। देखो हमने पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का बटर चिकन बनाए, एकदम टेस्टी फर्स्ट क्लास बनाए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज।